समाजवादी पार्टी की तरफ से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और इसी के साथ प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव को लेकर एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें दोनों को जमकर लताड़ लगाई गई है। ओम प्रकाश राजभर को संबोधित पत्र में कहा गया कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और लगातार बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, तो वहीं शिवपाल यादव को संबोधित पत्र में कहा गया कि शिवपाल यादव जी, अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आपको बता दें कि शिवपाल यादव और इसी के साथ ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी ने दो टूक जवाब दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने दोनों को एक खुला पत्र लिखा है और पत्र में कहा गया कि आप दोनों अगर कहीं और जाना चाहते हैं तो आप जाने के लिए स्वतंत्र है। शिवपाल यादव को कहा गया कि कहीं ज्यादा अगर आपको सम्मान मिले तो आप जा सकते हैं। दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर को भी ये कहा गया कि अगर आपको लगता है कि आपका बीजेपी से गठजोड़ है और बीजेपी को मजबूत करने का लगातार आप काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर कहीं आपको ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप निश्चिंत होकर वहां जा सकते हैं, पार्टी आपको किसी तरीके से नहीं रोकेगी। ये कार्रवाई सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की है। तो शिवपाल और राजभर को उनकी आजादी के लिए ये खत समाजवादी पार्टी द्वारा लिखा गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि आपको जहां सम्मान मिले आप वहां जा सकते हैं, क्योंकि लगातार शिवपाल यादव जो क्रॉस वोटिंग में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव में शामिल थे, दूसरे ओम प्रकाश राजभर जो लगातार बीजेपी से पहले उनका गठबंधन था, बीजेपी छोड़ने के बाद उन्होंने सपा से गठबंधन किया और अभी भी वो यही चीजें कर रहे हैं। जरा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से खुला खत लिखा गया है शिवपाल यादव को और ओम प्रकाश राजभर को, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, या कहे कि स्वतंत्रता का रास्ता दिखा दिया है। और द्रौपदी मुर्मू को जिस तरह से वोट किया गया समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक्शन में नजर आई और साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे वही पार्टी को कि अखिलेश यादव तलाक की तलाश में है, तो वही अखिलेश यादव ने या उनकी पार्टी ने खुद शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को तलाक देने का काम कर दिया और पूरी तरह से उनको चिट्ठी लिखकर उनको पत्र जारी करके उनको कह दिया गया है कि आप स्वतंत्र है, जहां आपको सम्मान मिले वहां पर आप जाइए। और वही आप लगातार जिस तरह से दूरियों की बात की जाए, चाचा भतीजों के बीच से दूरियों की बात की जाए, आखिरकार दूरियां आ गई और समाजवादी पार्टी ने ही शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को बाहर का रास्ता दिखा दिया और गठबंधन को अलग करने के लिए कहा है। ठीक है, लेकिन इस पर क्या शिवपाल और राजभर का कोई कमेंट सामने आया, कोई प्रतिक्रिया उनकी? जितेंद्र, देखिए अभी फिलहाल कोई भी प्रतिक्रिया दोनों के इसी ओर नहीं आई है। और दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर ने कल ये बात कही थी मीडिया से बात करते हुए कि मैं बसपा के साथ जाना चाहूंगा और बसपा सुप्रीमो मायावती से बात करना चाहूंगा, और कहीं ना कहीं वो गए नहीं थे, लेकिन ये जरूर इशारों सामने कहा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करेंगे। वही यादव की अभी किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, और लेकिन ये जो कहा जा सकता है शिवपाल यादव पहले ही अलग थे, ओम प्रकाश राजभर के लगातार बगासी तेवर और जिस तरह से उन्होंने एनडीए उम्मीदवार राष्ट्रपति जो बन चुकी है द्रौपदी मुर्मू को वोट किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो गठबंधन का रस था वो थोड़ा खटास में बदल गया था और दोनों को ही अलग अलग चलने की राह नजर आई थी। और वही समाजवादी पार्टी ने अपने आप को आज आखिरकार पत्र जारी करके उनको अलग करने का काम कर दिया और साफ कह दिया शिवपाल यादव से ओम प्रकाश राजभर से कि आप स्वतंत्र है, जहां आपको सम्मान मिलता है आप वहां जाइए। तो लगातार ये राजनीतिक जो हलचल थी वो कहीं ना कहीं पहले ही नजर आ रही थी और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर के बयान आ रहे थे अखिलेश यादव के लिए, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों ही अलगाव के लिए बयान आ रहे थे और बयान आए रहे थे। और उसके बाद आज समाजवादी पार्टी एक्शन में आई और पत्र लिख दिया शिवपाल यादव ओम प्रकाश राजभर के लिए कि आप स्वतंत्र है, कहीं नहीं जा।
ये खुला खत लिखा गया है, समाजवादी पार्टी में प्रमुख ने ये पत्र लिखा है, लेकिन क्या पार्टी के किसी और की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि पार्टी में जिस तरीके से हम तमाम चीजें देख रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर या शिवपाल के समर्थन में क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? देखिए, अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया दोनों की प्रतिक्रिया नहीं आई, ओम प्रकाश राजभर की हो चाहे शिवपाल यादव की। अभी तक फिलहाल कोई इसकी प्रतिक्रिया नहीं, माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को पत्र प्राप्त हो चुका है, शिवपाल यादव को पत्र नहीं प्राप्त हुआ है और पत्र प्राप्त हो चुका है। ठीक है, राजभर को पत्र प्राप्त हो चुका है, जितेंद्र राजभर क्या आगे कोई एक्शन ले सकते हैं, क्या लगता है आपको, क्या आगे समीकरण बन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से नजदीकियां वापस आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी की नजदीकियां बढ़ रही थी। उसके बाद अखिलेश यादव या उनकी पार्टी को कह सकते हैं कि इसका शुरू हो चुका था और लगातार, और जिस तरह की बयानबाजी सामने आई, तो जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियां और जिस तरह सवाल जवाब आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, तो नजदीकियां जरूर पड़ेंगे। वही केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है, जो कि सीएम, उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर से कहा। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।